ये जो दिखाई दे रहा है ये करीब 5,000 रुपये का माइक है और इसको रिपोर्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का है ये, बोया कंपनी का। मगर ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ये 18,000 रुपये का माइक है। तो देखना ये है कि इसमें क्या हीरे जड़े हुए हैं, वो देख लेते हैं। अमेज़न से मंगाया है, देखने में ये कैसा लगता है इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो देखते हैं कितना फ़र्क पड़ता है इसमें और उसके इस दूसरे वाले जो माइक है इसके लुक में कितना अंतर है। क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें तो जो देखते हैं हम वही देखते हैं कि इसके लुक कैसे हैं, तो लुक के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होती। पहले देखते हैं, इसमें नेम एंड एड्रेस ऑफ इम्पोर्टर सेनहाइज़र है और ये सेनहाइज़र का इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है और ये मेड इन जर्मनी है। कंट्री ऑफ ओरिजिन इसका जर्मनी है, जापान का नहीं है, इसलिए थोड़ा सा महंगा तो होना ही है। और ये 20,000 रुपये का है, मगर मुझे 20,000 का नहीं पड़ा है, अमेज़न के ऊपर सस्ता मिल जाता है। और नीचे लिंक दे दूंगा मैं इसका। इसके अलावा इसका जो मॉडल नंबर है वो MD46 है और MD46 के नीचे यहाँ कुछ लिख रखा है, जर्मन में लिख रखा है, ये डायनामिक रिपोर्टर माइक्रोफोन लिखा हुआ है इस पर। और प्रोडक्ट कोड है इसका 00-5172। तो ये इसका वो है MD46। यहाँ पे ये शॉप वाले ने लिखा होगा, जिस शॉप ने इसको शिप किया होगा उसने ऐसे पैकेज बना के रखते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ होगा, हाथ से लिखा हुआ है ये। अब इसको खोल लेते हैं अंदर। ये देखिए, ये 20,000 रुपये का जो माइक है जिसको कंपनी बेचती है वो बिल्कुल इसके अच्छे से डब्बे में है। तो ये तो किसी डब्बे में नहीं आया था, ये तो खाली पैकेट में आया था, मगर ये इतना महंगा भी नहीं था। फिर इसको हटा लेते हैं यहाँ से, इस पन्नी को हटा लेते हैं। ये बहुत ही बढ़िया ऐसा लग रहा है मुझे, जैसे सेनहाइज़र का माइक है मेरे हाथ में। और ये माइक इतने महंगे इसलिए होते हैं फिर भी लोग खरीदते हैं, इसका मतलब इसमें कुछ बात तो होती होगी। क्योंकि चाहे करोड़पति क्यों ना हो, उसको ये जब पता है कि ये सेम क्वालिटी दूसरे में मिल जानी है तो कुछ ज़्यादा पैसा क्यों देगा। उल्टा मैंने तो देखा है जो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं वो कम खर्चा करते हैं। तो इसको खोलते हैं यहाँ से, बहुत बढ़िया अच्छा फील आ रहा है इसको खोलने में, ऐसा लग रहा है महंगा प्रोडक्ट है। वाह जी वाह, ये खुल गया है। देखिए यहाँ पे इसका हल्का सा ही लगा हुआ है, इसका खैर काम भी यही होता है। और ये साथ में बुकलेट है इसके, इसको पढ़ लेंगे, इसमें कोई काम की चीज़ होगी तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। और ये सामने आ गया है हमारा सेनहाइज़र का माइक। ये भारी है, ये जो इस माइक के मुकाबले में ये मुझे दुगना तो नहीं लग रहा मगर ज़्यादा भारी लग रहा है। ये शायद 1.5 गुना लग रहा है इसका जो वेट है, इन दोनों का वेट है, मैं कंपेयर करके बता दूंगा आपको। और देखने में जैसे ये कन्वेंशनल है, आपने कई जगह देखे होंगे, ज़्यादातर माइक्स इसी को कॉपी करके बनाए हुए होते हैं। ये उतना कन्वेंशनल लुक नहीं है, इलेक्ट्रोलक्स का एक माइक आता है, ये उसका लुक है। ये चाइनीज़ कंपनी है बोया, और ये जो है ये जर्मन कंपनी है। ये टॉप ब्रांड है, वर्ल्ड का टॉप ब्रांड है सेनहाइज़र का। और ये जो इसका बल्ब होता है, ये बल्ब होता है, ये आप चेंज कर सकते हैं, दूसरे बल्ब से रिप्लेस कर सकते हैं। ये तो इसका कवर है, इस कवर के अंदर ही फोम लगा हुआ होता है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये होती है इस माइक की, और इसके नीचे ये देखिए बल्ब है, इसको मैं आराम से लगा देता हूँ, इतना महंगा है रोज़ रोज़ मैं भी नहीं खरीद सकता इसको। तो ये जो ऊपर बल्ब लगा रखा है इसके बाद में इस फोम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेनहाइज़र का जो इंटरनल अकूस्टिक सिस्टम है वो इतना परफेक्ट होता है। और इसको उठा के सही में बड़ा हैवी लग रहा है, मगर जब बड़े कैमरे उठाते हैं तो ये बड़ा माइक उठाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सॉलिड है, ऐसा लग रहा है ये मैं आराम से 5-7 साल तो यूज़ कर ही पाऊँगा। और उसके हिसाब से देखा जाए तो ये इतना महंगा नहीं है, क्योंकि अगर आप 5-7 साल अगर यूज़ कर पा रहे हैं, किसी को ऊपर से किसी का इंटरव्यू लेने जाते हैं और सबको पता है सेनहाइज़र का मतलब तो सेनहाइज़र होता है MD46। ये कॉरोइड माइक्रोफोन है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी तो मैं आपको अलग से बताऊँगा, फिर भी हर तरफ से ये साउंड नहीं लेता, सिर्फ यहाँ से और सामने की तरफ जो आ रही है यहाँ से, मतलब ये इस डायरेक्शन में उसी को लेता है। और इसके इधर अगर कुछ है
मतलब सामने किसी का, जैसे ये सामने किसी का मुंह है, मान लीजिए ये किसी का मुंह है और इसकी तरफ अगर अपन मुंह कर रखा है इसका, तो उसकी आवाज़ आएगी, मगर इसको मैं ऐसे कर लूँगा तो उसमें आवाज़ नहीं आएगी। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है कॉरोइड की, इसीलिए ये इंटरव्यू माइक कहलाता है। इंटरव्यू के लिए बहुत अच्छा रहता है, आपने अपनी तरफ किया फिर सामने वाले की तरफ किया और बिल्कुल उसके मुंह के अंदर घुसेड़ने की ज़रूरत नहीं होती इसको, थोड़ा दूर से, इतने दूर से भी आप आराम से कर सकते हैं। मगर ये जो दूसरे वाला जो माइक है, इसको जब भी मैं यूज़ करता हूँ तो ये इतने दूर से काम नहीं करता, इसको बिल्कुल करीब करीब उनके मुँह से इतने दूर रखना पड़ता है, इतना इतना दूर रखना पड़ता है। और इसका जो है, मुझे जो मैंने वीडियोस देखे थे उसके हिसाब से 1-1.5 फीट की अगर दूरी है, मतलब ये इतनी दूरी से भी अगर यू इस तरफ डायरेक्शन कर रखा है तो ये काम कर जाना चाहिए। तो इसके डब्बे के अंदर नीचे तो कुछ होगा नहीं, नीचे लग नहीं रहा कुछ होगा, देख लेते हैं, फिर भी नीचे कुछ नहीं है और ये इसको रखने के लिए अच्छी जगह है और ये फ़ायदे की चीज़ है। इसको आराम से रख के आप इधर उधर, आप जब इसको यूज़ में आ रहा है या कहीं पर आप ले जा रहे हैं तो इसको आराम से पैक करने में आसानी होती है। ये बहुत ज़्यादा ऊंची क्वालिटी तो नहीं है, मगर मैंने देखे हैं बहुत पुराने जो माइक्रोफोन्स आते थे करीब करीब यही प्लास्टिक की क्वालिटी हुआ करती थी, और पुराना तो आपको चीज़ पता है हर एक चीज़ है वो सॉलिड हुआ करती थी, और ये बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आ रही है इसकी। बस ये सैनहाइज़र है, इसलिए इसका जो प्राइस टैग है वो 20,000 रुपये है, मैंने 1-1.5 हज़ार रुपये कम दी है। अमेज़न के ऊपर अलग अलग टाइम पे अलग अलग रेट्स चलती रहती हैं आपको पता है, मगर ये सैनहाइज़र के जो माइक्स होते हैं ये ज़्यादा डिस्काउंट पर नहीं मिलते, ये लास्ट इनके ऊपर अगर आपको कहीं डिस्काउंट मिलेगा तो 15% का मिलेगा। 15% से ज़्यादा अगर आपको कोई डिस्काउंट दे रहा है तो आप उसका बिल्कुल मत लीजिए, प्रोडक्ट फिर नकली होगा। कहीं पर भी ये 15% से ऊपर मैंने कभी डिस्काउंट नहीं देखा, 16 भी हो सकता है, मगर 20% के ऊपर अगर किसी भी सैनहाइज़र प्रोडक्ट के ऊपर आपको डिस्काउंट मिले उसको मत लेना, वो फर्जी होगा। इसकी जो साउंड क्वालिटी है और ये इससे कितना अलग है, मतलब ये सोचिए, ये 5,000 का, ये भी कोई सस्ता माइक नहीं है, 5-6 हज़ार का एग्जैक्टली मेरे को ध्यान नहीं है, ये भी कोई सस्ता माइक नहीं है, मगर ये मुझे लेना क्यों पड़ा और इसके क्या महत्व है और इसकी जो साउंड क्वालिटी है उसमें कितना अंतर होता है, ये मैं आपको इसका कंपैरिजन आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। आप जुड़े रहिए बनाओ दिखाओ के साथ में, क्योंकि आपको जो वीडियो बनाने की जानकारी चाहिए, प्रैक्टिकल जानकारी जो चाहिए, वो आपको यहाँ पर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।